हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे, जिस अपडेट पे बात करने वाले हैं वो है लास्ट सिंह चड्ढा और जो KGF 2 के बीच में क्लैश होने वाली थी मूवी के बीच में, उसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए होंगे तो। उसके बाद चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो आप लोगों को पता होगा लाल सिंह चड्ढा और हमारे KGF 2 14 अप्रैल 2022 को क्लैश करने वाली थी हमारे बिग सिनेमा स्क्रीन पर। अब ऐसा नहीं होगा। लाल सिंह चड्ढा, आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ निकल के आई है कि ये फिल्म ऑफिशियल अब पोस्टपोन हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा इनकी फिल्म मेकर्स को। मुझे तो सबसे पहले जब ये फिल्म की जब क्लैश की न्यूज आई थी ना, मैं बहुत ज्यादा ही खुश हुआ था। क्यों? क्योंकि जब लाल सिंह चड्ढा आएगी, और आप लोगों को पता हो KGF 2 ये तो पहले से एक फेस्टिवल मूवी है, फिर जब लाल सिंह चड्ढा की अनाउंस हुई कि इसके साथ में क्लैश होगी, तो आमिर खान की जो फिल्म होती है इतने परफेक्शन के साथ उनकी फिल्म होती है कि वो कंटेंट हम रिलेट कर सकते हैं बैक जितने पार्ट में उनकी जितनी भी मूवी आए। उसके बाद में जब ये अनाउंस हुआ कल की डेट में कि ये फिल्म अब पोस्टपोन हो जाएगी, तो मतलब कि मुझे समझ नहीं आया। अब मुझसे साफ साफ अब ये लग रहा है कि ये मात्र KGF 2 के जो ना प्रमोशन को उसके साथ में मतलब कि थोड़ा सा वर्ड ऑफ माउथ मिल जाए, थोड़ा सा मतलब लाइट में आ जाए, इसलिए ही किया गया था। मुझे तो साफ साफ अब यही लग रहा है। मूवी KGF 2 की जब अनाउंस हुई 14 अप्रैल, इसके बाद में जब इन्होंने क्लैश का न्यूज लगाया, इससे यही है कि ये सिर्फ सोचते थे कि उनकी आग में अपना रोटी सेक लेते हैं, प्रमोशन भी हो जाएगी, हाइप भी बन जाएगी, जिससे हमें वर्ड ऑफ माउथ भी मिल जाएगी। भाई आपकी कंटेंट अच्छी है, डायरेक्ट रिलीज करो ना, आप क्यों डिले करते जा रहे हो। कोविड की वजह से आप कह रहे हैं, वो मूवी तो आ रही है आखिर में, अभी तक ऑफिशियल हुआ तो भी उसी दिन पे आ रही है, फिर आप क्यों नहीं। और आप मुझे, आप मतलब उनकी फिल्म मेकर से मुझे बात बताएं कि आप सोच लीजिए 2022 इतनी बड़ी बड़ी मूवी आ रही है, मतलब कि राधे श्याम आ रही है, उसके बाद में विक्रांत रोना, आप लोग पता होगा रीमेक है, फिर भी वो मूवी आ रही है, कितने सारे मतलब की मूवीज आ रही है, इतनी सारी मूवी आ रही है, वो कहाँ क्लैश कर पाएंगे। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको किसी मूवी के साथ तो टकराना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो ये क्यों नहीं, किसी मूवी के साथ आपको लड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये 2022 में बड़ी सी बड़ी फिल्म भी क्लैश करेगी एक दूसरे के साथ, वो साउथ सिनेमा की कोई मूवी हो या तो फिर मतलब हिंदी बॉलीवुड की ही मूवी हो, आपको क्लैश तो करना ही होगा। उसके बाद में आप लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि फिल्म पोस्टपोन कर देते हैं, मतलब यार क्यों ऐसा कर रहे हो, आप लोग ऑडियंस के साथ खेल रहे हो। हम लोग भी तो मतलब एक्साइटेड थे कि फिल्म क्लैश करने वाली, रिजल्ट जो भी होता, पर फिल्म कंटेंट जो भी अच्छी है उसे हम लोग अप्रिशिएट हमेशा करेंगे और हर लोग करेंगे। जैसे कि अभी पुष्पा के साथ में हुआ, उससे पहले स्पाइडरमैन रिलीज हुई थी, वर्ड ऑफ माउथ उसकी भी अच्छी थी, फिर भी पुष्पा अभी भी हाउसफुल जा रही है OTT पे रिलीज होने के बाद भी। यार कम से कम आप लोग ये गेम्स तो ना खेलें ऑडियंस के साथ, आप लोग मतलब कोई फिक्स डेट पहले तो सोच लीजिए कि मुझे इस दिन रिलीज करना है, उसके बाद फिल्म को रिलीज कर दीजिए। लोगों को क्या लगता है दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बाय बाय दोस्तों।